उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। राज बब्बर 2015 में यहां से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, लेकिन उत्तराखंड की जनता के लिए वो कितने संजीदा हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सांसद निधि का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, ये जानने की फुर्सत भी उनके पास नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 7 जिलों के अलावा राज बब्बर ने महाराष्ट्र के नागपुर, यूपी के रामपुर और पंजाब के मुक्तसर को 25-25 लाख रुपए की सांसद निधि दी थी। 2016 में पौड़ी को 25 लाख की सांसद निधि मिली थी, लेकिन अभी तक ये धनराशि खर्च नहीं हो पाई। इसके अलावा नैनीताल और पिथौरागढ़ को मिली सांसद निधि का सिर्फ 70% और 80% हिस्सा ही खर्च हो पाया, जबकि 2018 में हरिद्वार को मिली धनराशि का 56% और पिथौरागढ़ को मिली धनराशि का 66% हिस्सा खर्च हो पाया। लेकिन सांसद निधि किस तरह से खर्च हो रही है ये जानने का समय राज बब्बर के पास नहीं है। पिछले 2 साल में राज बब्बर प्रदेश में शायद ही कभी दिखे हों, ना तो उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और सांसद निधि के खर्चे की समीक्षा भी नहीं की है। वहीं कांग्रेस का भी मानना है कि राज बब्बर उत्तराखंड को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे। जो एक बार शायद नामांकन करने के लिए आए होंगे, उसके पश्चात जो है प्रदेश की जनता ने उनको देखा नहीं। और देखिए, जहाँ तक जो है ठीक है, ये अधिकार तो है कि आप जो है सांसद कोटे के पैसे को अपने क्षेत्र से जहाँ से आप चुन के आए कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आखिर तो ये राजकोष ये जनता के गाढ़े पसीने की कमाई है और उसका जो है सत्यापन, उसका जो है स्थलीय निरीक्षण, उसका उपयोगिता, उसके जो है स्थलीय अनुकरण, उसका तो करना आवश्यक है। और अगर कोई सांसद जो है इस प्रकार माले मुफ्त दिले बेरहम के आधार पर जो है इस सांसद निधि को बांटने का काम कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि वह न केवल जो है अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, बल्कि वह जो है स्वयं व्यवस्था के साथ भी विश्वासघात कर रहा है। जितना नजर आना चाहिए, राज्यसभा सांसद का जो कर्तव्य होता है वो उसका निर्वहन करते हैं, कम आते हैं क्योंकि उनके पास उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, ये बात सही है। लेकिन सुषमा स्वराज जी भी थी, आपको याद होगा, अब वो दिवंगत हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे दूसरे पक्ष के भी राज्यसभा में उत्तराखंड से गए जो पूरे 6 वर्ष दिखाई नहीं पड़े। उनकी सांसद निधि उत्तरकाशी से लेकर के चमोली से लेकर के पिथौरागढ़ से लेकर के पूरे राज्य में जहाँ उनके पास डिमांड जाती है वहाँ पर वो सांसद निधि का सदुपयोग करते हैं। जो भी प्रस्ताव आते हैं उसको जो है कार्यदायी संस्था को भेजा जाता है, और अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला नहीं है कि जिस एक पर्टिकुलर केस के बारे में कोई हमारे पास ऐसा कोई शिकायत नहीं है। और इस वक्त कुलदीप नेगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामानुज कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, दोनों से हम बातचीत करते हैं। कुलदीप, कहीं ना कहीं राज बब्बर जिस तरीके से उनके आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं सांसद निधि को लेकर, वो वाकई चौंकाने वाले हैं, और शायद से उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनके कोटे से कितना पैसा गया है, उसका इस्तेमाल कहां हुआ है, बीजेपी किस तरीके से देख रही है। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए यहाँ से चुने हो या फिर लोकसभा के लिए या फिर विधायक, जो भी चुने जाते हैं, कम से कम उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि जो भी उन्हें निधि दी जाती है वो उस निधि का अपने क्षेत्रों में किस तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम उसकी मॉनिटरिंग भी करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक रहती है कि जिस काम के लिए वो अपने निधि में से पैसा दे रहे हैं वो काम समय पर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो काम किस तरीके से हो रहा है, उस काम में कोई गड़बड़ की शिकायत तो नहीं आ रही है, इसकी मॉनिटरिंग करना भी बेहद जरूरी है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे। लेकिन बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि लंबे समय से यह देखा जा रहा है कि राज बब्बर उत्तराखंड में नहीं नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी उत्तराखंड में किसी भी तरह का काम हो या अपनी सांसद निधि को लेकर जहां तक बात होती है उसके खर्च को लेकर, तो उसकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो पा रही है, देखने में आ रहा है। बीजेपी किस तरीके से देखती है, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर देवेंद्र भसीन, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। सर, राज बब्बर यहाँ से सांसद चुने, लेकिन उसके बाद जब निधि खर्च करने की बात आती है या फिर उसकी मॉनिटरिंग की आती है, वो मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही जो देखा जा रहा है, बीजेपी किस तरीके से देखी जाती है। श्री राज बब्बर का जो उत्तराखंड से निर्वाचन हुआ उसके साथ कांग्रेस ने और राज बब्बर जी दोनों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छल किया, क्योंकि चुने जाने के बाद उन्होंने कभी उत्तराखंड की कोई पूछ नहीं करी, ना ही उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर के
राज्यसभा में कोई बात कही, और फिर जो आपने सांसद निधि की बात की है तो उन्होंने उसके खर्च पर भी ध्यान नहीं दिया। ये निधि क्षेत्र के विकास के लिए मिलती है और वो सही ढंग से उपयोग हो, और उसका किस प्रकार से कहाँ कहाँ उपयोग होना है इसके बारे में सीधी जिम्मेदारी संबंधित सांसद की होती है, लेकिन राज बब्बर जी ने कभी भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, ना तो सांसद निधि को स्वीकृत किया, और अगर थोड़ा बहुत किया भी होगा तो उनके द्वारा उसका अनुसरण भी नहीं किया गया, ये काम कैसे हुए क्या हुए। और सबसे दुखदायी बात यह है कि इन वर्षों में वे कभी उत्तराखंड भी नहीं आए, तो इस प्रकार से उनका चुना जाना उत्तराखंड की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखता, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस ने और राज बब्बर जी दोनों ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया। तो बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड से उनका चुना जाना कोई मायने नहीं रखता है, इस कारण से नहीं रखता है कि वो यहाँ सक्रिय नहीं है, और एक तरीके से कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ छल के धोखा किया है। जी रामानुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, ऐसे दुर्भाग्य ये भी है कि अक्सर हम जो प्रत्यक्ष तौर पर जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनसे जनता जवाब नहीं ले पाती है, ये तो फिर भी राज्यसभा से सांसद हैं और ये निधि कहाँ जा रही है शायद ही किसी को पता हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जिस तरीके से सफाई दी, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई, सुषमा स्वराज का उदाहरण दे दिया गया, ये कहीं ना कहीं अपनी गलती मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो साफ कर दिया कि ये बात की कम से कम कि राज बब्बर उत्तराखंड कम आते हैं चूंकि उनकी व्यस्तता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है। अगर आप इसे उत्तर काशी से लेकर के और चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ या बागेश्वर तक देखेंगे, ये पूरी अविषम भौगोलिक परिस्थितियाँ रहती हैं। यहाँ पर अगर 25 लाख से 50 लाख रुपए का सांसद निधि से कोई भी काम होता है, मिसाल के तौर पर चाहे वो सड़क का निर्माण कार्य हो या स्कूल की बाउंड्री बनाने का हो या स्थानीय गाँव में पानी की टंकी जैसे बनाने का काम हो, ये ऐसे काम होते हैं जिसकी काफ़ी दरकार होती है। और खास तौर से अगर सांसद निधि से काम होता है तो जनप्रतिनिधियों के काम पर आम पब्लिक का भी भरोसा बढ़ता है कि उनकी बातें दिल्ली तक पहुंच रही हैं या उनके जो मुद्दे हैं वो कम से कम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राज बब्बर ने पिछले 2 सालों में सांसद निधि को दिया है और ना तो उसकी समीक्षा की कि कहाँ कहाँ पर सांसद निधि से काम हो रहा है और उसकी प्रगति क्या है, अगर आकलन सही तरीके से नहीं होगा तो काम की गुणवत्ता के ऊपर भी सवाल उठ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे बारे में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बचाने की कोशिश की है, एक तो बात साफ हो चुकी है। हमारे साथ में आरपी रतूड़ी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सर, आप बताइए कि आखिर एक राज्यसभा सांसद होने के नाते राज बब्बर को कम से कम अपनी सांसद निधि के इस्तेमाल करने के बारे में तो सोचना चाहिए, कैसे हो रही है इस्तेमाल उनकी सांसद निधि? देखिए, निश्चित तौर पर वो समीक्षा करते हैं, उन्होंने संगठन को विश्वास में लेके अपनी निधियों को खर्च किया है। उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि मैं युवक कांग्रेस, मैं महिला कांग्रेस या कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो पदाधिकारी हैं, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इन लोगों से पूछ करके मिल करके उन्होंने अपनी निधि को खर्च करने का काम किया, ये बात मानता हूँ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समय नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उत्तराखंड के लोगों से संपर्क में ना हो, लगातार समीक्षा भी करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों से प्रस्ताव लेकर के लोग, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से प्रस्ताव लेके वो विकास कार्य करते हैं। लेकिन मेरा तो प्रश्न उनसे है कि जो सांसद भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने गाँव गोद लिया था, ज़रा उनकी स्थिति देखें, निधि की बात तो अलग है, जरा उन गाँव की दशा तो देखें, क्या वह स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये सारा क्या परिपूर्ण हो चुका है। तो ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी भी भाजपा पर हमलावर हो रही कि कम से कम जो भाजपा के सांसद हैं उन्होंने जो गांव को गोद लिया है उनकी क्या स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है कि वाकई चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य के कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को मान रही है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि महाराष्ट्र के नागपुर को पैसे चले जाते हैं 25 लाख रुपए, रामपुर को उत्तर प्रदेश के
25 लाख रुपए उनकी निधि से चले जाते हैं, ये तो उत्तराखंड के जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं उनकी जिम्मेदारी भी इसमें होती है ना कि वो सांसद को जाकर बताएं कि सर ये जरूरत है हमारी और इसका पैसा आप रिलीज कर दीजिए अपनी निधि से, तो भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। शायद से स्थानीय नेताओं ने भी अपनी पॉलिटिक्स में इतने मशगूल हो गए वो कि उन्हें ये याद भी नहीं रहा कि हम कुछ काम करवा सकते हैं विपक्ष में रहते हुए भी और जनता से जुड़े हुए मसले जो सांसद निधि से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर राज बब्बर उत्तराखंड के गलियों में और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में घूमते और यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है वो खुद रूबरू होते। एक बात तो साफ है कि स्थानीय लोगों से मिलकर के, जनप्रतिनिधियों से मिलकर के अगर वो प्रस्ताव बनाते हैं तो कम से कम उन लोगों को तो राहत मिल सकती है जहाँ जिसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर चाहे वो सड़क है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के कोई विकास की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल भाजपा पर आरोप लगा रही है और इसी को हम जान लेते हैं। आखिर आप बताइए सर कि कांग्रेस पार्टी क्या कभी राज बब्बर से इस बात की मांग नहीं करती कि उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए और जो चाहे बारिश हो या किसी और मौसम में यहाँ पर सड़कों का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, तमाम चीज़ों की हमेशा दरकार बनी रहती है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि निश्चित तौर पर संपर्क में रहते हैं लगातार, स्थानीय नेतागण जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके संपर्क में और उन्हीं के प्रस्तावों पर वो लगातार काम करते हैं। उनके लिए उनके बताए जितने प्रस्ताव हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे पेयजल के हों, चाहे अस्पताल के लिए हों, वो स्थानीय नेताओं से लेकर के स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेके निश्चित तौर पर वो कार्य करते हैं। ये बात जरूर है कि वो समय न दे करके भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार वो संपर्क में रह करके विकास कार्यों में प्रगति करते हैं। अच्छा, आप लोग अब चाहेंगे कि कम से कम एक बार अब राज बब्बर उत्तराखंड आए और जो यहाँ उनकी सांसद निधि जिन जिन मदों में जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही कम से कम उसकी समीक्षा करें? निश्चित तौर पर उनसे हम अनुरोध करेंगे कि आप आए, आपने जो निधि अपनी खर्च की है उसको जानकारी कांग्रेस के मुख्यालय को भी होनी चाहिए कि आपने प्रदेश में कहाँ कहाँ पर सड़क के लिए दिया, कहाँ पेयजल के लिए दिया, कहाँ स्वास्थ्य। तो उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आए और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखें। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी अब राज बब्बर से कम इतना जरूर कहेगी कि एक बार वो बिल्कुल इस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि हो सकता है कि वो राज्यसभा सांसद होने के नाते या अन्य अपनी व्यस्तताओं के चलते ना आ रहे हों उत्तराखंड, लेकिन कम से कम जो स्थानीय नेता हैं वो तो बता सकते हैं कि ये जरूरत है, इसमें आप निधि अपनी भेजिए और उसकी मॉनिटरिंग कांग्रेस खुद कर सकती है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। शुक्रिया आपका रामानुज जुड़ने के लिए और कुलदीप आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।